इस्लाम के बारे में एक्साइटेड होकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabeel Saad and you are watching Nabeel Words. तो यार अभी मैं देखने वाला हूँ वीडियो का टाइटल क्या है। वीडियो का टाइटल है I accept Islam, Paramdeep convert to Islam part 1। तो ये 7 दिन पहले वीडियो आई है YouTube चैनल पे रिवर्ड मुस्लिम। अच्छा एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वीडियो देखने से पहले बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब लोग बोलते हैं ना कि कोई कन्वर्ट हुआ है तो बेसिकली इस्लाम के मुताबिक ये बोला जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो मुसलमान यानी कि मोमिन पैदा होता है। तो कोई अगर बाद में बड़ा होकर अपने पेरेंट्स की टीचिंग की वजह से कोई और रिलीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली में वो मुस्लिम ही पैदा हुए थे तो कोई कन्वर्ट नहीं होता मुस्लिम पे जब बाद में वापस आते हैं तो वो रिवर्ट होते हैं। वो एक कहावत भी बड़ी अच्छी है कि रिवर्ट टू अल्लाह बिफोर रिटर्निंग टू अल्लाह। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि उस बंदे ने सही फ्रेज लिखी है रिवर्ट मुस्लिम। खैर पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी होगा। तो काफी बातें हो रही थी मैंने अपने देखा स्क्रोलिंग में तो भाई की बात हो रही थी। खैर मैंने भाई का कभी कोई कंटेंट नहीं देखा हुआ, मे भी कभी आंख से गुजरा हो लेकिन मुझे भी याद नहीं। तो सो वीडियो देखने से पहले डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। लेट्स फर्दर टू माय डेली जंप इनटू द वीडियो। यस मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर का भाई आज आपके लिए फॉर श्योर इस चीज का खुलासा जरूर कर देगा। मैंने पहले भी सोचा था इस चीज का खुलासा 2 साल से बट नहीं कर पाया। बट इंशाल्लाह आज ये वीडियो में आपको फुल ऑन क्लियर हो जाएगा हर चीज के बारे में कि मेरा मजहब क्या है। भाई सारे लोग यही पूछते हैं भाई आपका मजहब क्या है, आप इस्लामिक वीडियो बनाते हो, आपका नाम परमजोत सिंह है। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लामिक वीडियो आप इसलिए बनाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ ना हमने इस्लामिक वीडियोज बनाना स्टार्ट ही व्यूज के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। मैं सच कह रहा हूँ। और यूट्यूब पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल देखोगे जो भी देखोगे ना सारे के सारे पैसों के लिए व्यूज के लिए ही वीडियोज बनाते हैं। बिकॉज इस्लामिक पब्लिक मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। बिकॉज मुस्लिम पब्लिक आएगी दौड़ के भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोज देखेगी आपकी। और ये बिल्कुल सही बात है। और चाहे इंस्टाग्राम पे लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो बट आपको ना इस चीज़ पे खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मुझसे पूछो। आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज क्योंकि चाहे जो नॉन मुस्लिम है जो यूट्यूबर नॉन मुस्लिम है वो उसकी जो ऑडियंस है ना वो भी नॉन मुस्लिम होगी। करेक्ट। अभी जब उसकी ऑडियंस नॉन मुस्लिम होगी तो पहगाम किसका पहुंच रहा है उनके तरफ? अल्लाह का पहगाम। यही तो काम है हमारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था ना खुतबे में कि आप हमारा दीन हमारा जो पहगाम है अल्लाह का जो पहगाम है ये आगे फैलाओ, ये आगे बताओ, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दो। और यही तो वो कर रहे हैं तो करने दो, क्या टेंशन है। और इससे भला कितने लोगों का हो रहा है। 2 साल से लगातार इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, ये हमारा 3rd ईयर है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता था जब लोग कमेंट्स में करते थे ना आप इस्लाम कबूल करो आप इस्लाम कबूल करो। मैं बोलता था यार ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं एंड लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरी मर्जी ना मैं कुछ भी करूँ। दी से कुछ सी आप सबको पता होगा 2 तरह की हदीसें होती हैं। दी से कुछ सी मतलब जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उनके बंदों के लिए होती है हमारे लिए इंसानों के लिए उनकी एक हदीस है कुछ सी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह फरमाते हैं ऐ बनी आदम ऐ आदम की औलाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो। भाई ये जो लाइन है ना ये लाइन ना मतलब दिल में ऐसे पा देती है मतलब वाइब्रेशन पैदा कर देती है कि यार अल्लाह हमसे प्यार करते हैं तो हम अल्लाह से क्यों नहीं प्यार करते। एंड दूसरी बात ये अल्लाह ताला उनसे भी प्यार करता है जो अल्लाह को जानते भी नहीं है जो अल्लाह के बारे में मानते भी नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं जो बुतों की इबादत करते हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कह रहे हैं ऐ बनी आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई आपने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया। राइट ये जो वर्ड है ना इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया इस वर्ड से मैं बहुत भागता था। मैं सच कह रहा हूँ क्यों क्योंकि आई डोंट नो मुझे नहीं समझ आता मैं क्यों भागता हूँ इस चीज़ से बट मैं बहुत भागता था। मैं किसी को मतलब मैं फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भाई सच कह रहा हूँ ना ही पेरेंट्स को ना ही किसी और को बट हमारे दिल में ईमान है। आप सबको दिखता होगा वीडियोस में अगर जब हम बोलते हैं या जो भी करते हैं बट मैं आपको सच कह रहा हूँ दिल ने तो मान लिया था बट वो जुबान ने कब माना वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये
ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, एंड अगर आप खुश हो रहे हो तो मुझे मुबारकबाद ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कब किया, और आप थोड़ा सा गेस करो इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, क्योंकि जब इंसान के दिल में ईमान होता है ना, वो इंसान के ना चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मुझे काफी टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पे, आप नॉलेज ले, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, कब ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये बंदे पे ना थोड़ा शक हो रहा है, इसके दिल में क्या ईमान है, ऐसा शक वाली चीज आपको कब हुई थी ना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये कब हुई थी। और क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मेरी पूरी स्टोरी कि हाउ आई एक्सेप्टेड इस्लाम, और कब किया था एक्सेप्ट और कैसे किया था, वो देखना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर देखेंगे। बट ये चीज आप जरूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कब आपको मेरे दिल में ईमान दिखा था, आपको मेरी बातों से ईमान दिखा था, ये मैं जरूर वेट करूंगा, आपके कमेंट्स जरूर पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, यू नो व्हाई आई लव इस्लाम सो मच, बिकॉज आई एम इन लव विद अल्लाह, आई एम इन लव विद रसूल अल्लाह। आप सोचो आजकल की दुनिया में जब लोगों को कोई सलाम ठोके, उनको जी जी करके बुलाए कि इज्जत करे, तो वो लोग ऐसे तड़के चलने लग जाते हैं, ऐसे भाई मैं कौन हूँ, पता नहीं मैं महाराजा हो गया, पता नहीं यहाँ का, ये पूरा देश मेरा है, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं ही इसका दाता हूँ, ऐसे करते हैं लोग। बट हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको फरिश्ते तक ऐसे मतलब उनको सलाम ठोकते थे, मतलब आप सोचो फरिश्ते रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम ठोकते थे, बट रसूल अल्लाह फिर भी अपने कंधे झुका के चलते थे, डाउन टू अर्थ थे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। मतलब आप उनकी ज़िंदगी देखो यार, उनकी ज़िंदगी से कितना कुछ सीखने मिलता है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ इबादत गुजार, एज अ बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एज अ बेस्ट अखलाक, भाई क्या नहीं था उनमें, भाई क्या नहीं था। आप एक चीज़ का नाम लो, वो उनमें था, ही इज द रोल मॉडल। एंड आजकल अगर हर एक इंसान उनकी बताई हुई चीजों के ऊपर अमल करके चले, अपनी जिंदगी गुजारे, इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है, कहीं से पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं यार कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, पांच टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। यार मैंने पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचाऊँ मुझे पता है, मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचाऊँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना, और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मोमिन की निशानी है, ज्यादा वो हो गया हूँ मैं, मतलब मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैंने इस्लाम कबूल किया है यस आई एम अ मुस्लिम। एंड अभी अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब किया और कब से, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है, तो ये आपको ऐसे इत्मीनान से बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। एंड उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सब्र करें कल तक, नहीं तो परसों तक, ठीक है जी। आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगी, और ये वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, बाहर बंद करते हैं, इसीलिए मेरे को लगा टाइम पे घर पे पहुंच जाएंगे। एंड इफ्तार हो चुकी है, मैंने पानी से इफ्तार किया है, खजूर से नहीं किया, सुन्नत घर पे जाके ठोकेंगे अभी पूरा, नहीं नहीं पानी भी सुनना था। दुआओं में याद रखना, अच्छी अच्छी दुआएं देना कमेंट सेक्शन में, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें दुआएं देते रहें, और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे, आपको बहुत सारा प्यार होता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को जब लोग कॉल भी करते हैं ना, गूज़बम्स आए हैं भाई की वीडियो देखते हो स्टार्टिंग, प्यार से बात करते हैं और इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई हद नहीं, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल भाई की वीडियो देखते टाइम स्टार्ट में गूज़बम्स आए, जिस तरह भाई ने, देखो भाई ने पहले सबसे पहले एडमिट किया कि मैं व्यूज के लिए वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस बनाता था, ये रिएक्शन चैनल है, ऑब्वियसली रिएक्शन चैनल तो नहीं है, रिव्यूज रिएक्शन सब कुछ करता हूँ, तो लेकिन ये है कि वाकई ही कुछ चीजें समटाइम आपको व्यूज के लिए करनी पड़ती है, ये फील्ड ऐसी है, देखो ऐसा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उसको एडमिट करना। स्टार्टिंग में मैं इस्लामिक वीडियो इसलिए देखता था ताकि मुझे व्यूअरशिप आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देन उन्होंने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल रूहानियत की तरफ,
खुलने लग गया। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ने जिसको अता करना है ना ईमान, उसको अता करना है, नहीं तो जिसको नहीं करना उसके सामने 1.5 लाख लोग इस्लाम की दावत देते हैं कि उसको नहीं देना। अबू जाहिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, उनके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार इस्लाम की दावत दी लेकिन उन्होंने नहीं जाना था ईमान की तरफ, तो वो नहीं आए। इवन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे चचा या हजरत उमर बिन खत्ताब, इन दोनों को इस्लाम में ले आओ। में से एक ही दुआ कबूल की गई, हजरत उमर बिन अल-खत्ताब को इस्लाम में लाया गया था लेकिन अबू जहल को तब भी इस्लाम नहीं नसीब हो पाया था। उसका रीजन यही है ना कि जिसको नहीं करना, दुआ भी कर लो जो मर्जी कर लो, उसको नहीं मिलना इस्लाम। और जिसको अल्लाह ने इस्लाम की तरफ लाना होता है उसको रिएक्शन वीडियो से भी इस्लाम की दावत मिल जाती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा और मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगले पार्ट में भाई की जो स्टोरी है ना वो मैं देखने वाला हूँ, तो वो मैं देखता हूँ। आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जब वो आएगी उसको भी लाइक कमेंट करना शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि वो वाली वीडियो में भाई प्रॉपर क्लिप्स डालें ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा, तो मुझे आइडिया हो कि भाई ने कब क्या क्या फीलिंग्स आई हैं, तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो मैं देखता हूँ, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, फैसलाबाद रहें। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।